जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। नोटिफिकेशन आ चुकी है जैक 32 कोर्स की, जज एडवोकेट जनरल इंट्री बोलते हैं इसको। और अगर जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिन भी बच्चों ने लॉ कर रखा है, तो वो सभी बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल्स, मेन्स एंड वुमेन्स कैन अप्लाई फॉर जैक इंट्री। जैक इंट्री का 32वां कोर्स होगा जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है बेटा। फॉर्म की बात करेंगे, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, हम बात करेंगे एज लिमिट की, हम ये सारी बातें जो एक कॉम्पिटिटर को चाहिए, जो डिफेंस एस्पिरेंट जिसका सपना है कहीं लॉ करने के पीछे छूट ना गया हो, सेना में ज्वाइन करने का जो सपना था। तो आप लॉ पूरा करने के बाद, लॉ कंप्लीट करने के बाद भी भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं और एज एन एडवोकेट, एज एन जज आप एक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं वहां से। तो आज हम पूरी डिटेल्स की बात करेंगे, पूरी नोटिफिकेशंस की थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो हम सारी आपसे शेयर करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हम आपको जो है एक अवेयरनेस दे सके कि जैक एंट्री होती क्या है। क्योंकि ये एक ऐसी एंट्री है जहां पर अभी भी लोगों के पास इस चीज को लेकर के क्या है, बहुत सारा अवेयरनेस नहीं है जैक एंट्री को लेकर, बहुत सारे बच्चे जैक का फॉर्म नहीं फिल करते हैं। तो हम सारी बातें करेंगे आज हम इस जैक एंट्री की, जैक 32वें कोर्स की। बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैक एंट्री स्कीम है 32nd कोर्स अप्रैल 2024 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बच्चा जैक एंट्री के तहत सेलेक्ट होगा उसकी ट्रेनिंग जो है वो अप्रैल 2024 में वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपने सारे स्टेज को क्लियर करते आप वहां आगे तक पहुंचते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी सेम, जो भी जितनी एंट्रीज आती है फौज की उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम रखा गया है। भारत का नागरिक हो, उसके अलावा कहाँ कहाँ का व्यक्ति भारतीय सेना का हिस्सा बन सकता है, फॉर्म भर सकता है, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें सबसे ज्यादा ये हमारा एज लिमिट, कि भैया एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि लॉ करते के साथ साथ ये हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आती है कि हमें एज क्या होनी चाहिए, किस एज के लोग जो है जैक एंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। तो वो क्लियर कट है बेटा कि अगर आपकी उम्र 21 से 27 साल 21 to 27 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं और अगर आपने लॉ कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो बेटा जैक एंट्री का फॉर्म भरने के लिए। एज बार भी यहां पर दे रखा है एकदम क्लियर कट, एक एक दिन का हिसाब है प्रॉपर। अगर आपकी उम्र 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में है, या इन दोनों डेट को लेकर के इसके बीच में है, तो आप एलिजिबल है एज वाइज फॉर्म भरने के जैक 32वें कोर्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें एकदम क्लियर कट पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in ने, gov.in ने, कि मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन देयर LLBs, 3 ईयर प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन। भैया अगर आपने इंटीग्रेटेड कर रखा है यानी कि 12th के बाद अगर लॉ कर रखा है तो 5 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है। इन दोनों में ही क्या है आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने LLB लॉ को क्लियर कर रखा है, पास कर रखा है देन, और उम्र आपकी 21 से 27 साल के बीच में है, देन आर मोस्ट वेलकम फॉर जैक इंट्री, जैक 32वें कोर्स। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर बात करें वैकेंसीज की, ठीक है भैया सीटें कितनी है, ठीक है ना, हालांकि मैं सीटों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, हमारा मानना यह है, पाथफाइंडर का मानना यह है कि आप सिर्फ एक सीट के लिए जाते हैं, आप सिर्फ अपनी एक सीट का ध्यान रखें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करके जाएं और आप बेहतर से बेहतर जो है परफॉर्मेंस दें SSB के दौरान और आप सेलेक्ट हो, और जितने ज्यादा नंबर से आप सेलेक्ट होंगे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी अच्छी मार्किंग होती है SSB में, उसी के अकॉर्डिंग आपके मेरिट बाद में बनेगी और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डोंट वरी, वैकेंसीज माना कि सिर्फ 7 है, वैकेंसीज माना कि सिर्फ 7 है, लेकिन आपको सिर्फ चाहिए एक, मेंस के लिए 5 वैकेंसीज आ देयर एंड वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसीज आ देयर, तो टोटल कुल मिलाकर के जो क्या है वो 7 वैकेंसीज है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, क्लियर कट इसमें दिया गया है कि जो जैक एंट्री होती है दैट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 to 14 years, 10 से 14 साल तक का जॉब टेन होता है मेल एंड फीमेल्स के लिए प्रॉपर। यहाँ पर प्रोबेशन, टर्मिनेशन, कैंसिलेशन, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना,
49 वीक का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो कहां पर होने वाला है, 49 वीक 49 सप्ताह का जो ट्रेनिंग है वो ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होता है। तो बेटा आपकी ट्रेनिंग कहां होने वाली है, चेन्नई में होने वाली है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर उस आप 7 कैंडिडेट्स में अगर आप शामिल होते हैं मेरिट आने के बाद, तो आपकी ट्रेनिंग कहां पर होगी बेटा, आपकी ट्रेनिंग ओटीए में होने वाली है। बाकी तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, सारी चीजें हैं, ये तो जनरल चीजें हैं जो सभी चीजों में आती है, इसके लिए आपका आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज आपको ये समझना है कि जैग एंट्री जिस चीज के लिए आप हैं, अगर आपने लॉ कर रखा है भैया और आपका सपना है ठीक है कि हमें भारतीय सेना का हिस्सा बनना है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर किसी प्रकार के लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट ठीक है इन जैग एंट्री, इट्स अ डायरेक्ट एंट्री। इसमें सीधे आपको बेटा एसएसबी जाने में जाने का मौका मिलता है, सीधे आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिपोर्ट करते हैं और 5 डे का जो पूरा हमारा एसएसबी का प्रोसीजर है आप उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें और अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप जेन्युइन डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपके दिल में वो कसक है कि कहीं एनडीए या सीडीएस के दौरान मेरा नहीं हुआ था और अभी हम लॉ के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें देना चाहिए भैया, तो बिल्कुल आप जो है दे सकते हैं बच्चा। फोकस करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एम को जो है अपने फोकस कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए। ये जैक 32 जो कोर्स आया है ये आप ही के लिए आया है। अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप जो है जैक 32 कोर्स को देखेंगे, तो आई एम श्योर बेटा कि आप जो आने वाला कोर्स जो 2024 अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, इसमें वो टॉप 7 बच्चों में उसमें से आपका नाम हो सकता है, चाहे वो बेटा कोई बच्चा हो और चाहे वो कोई बच्ची हो। तो इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप फॉर्म को फिल करें और इसकी तैयारी को स्टार्ट करें। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।